सुजलॉन एनर्जी। बाजार के अंदर सुजलॉन एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर आपको अपर सर्किट दिखाई दे रहा है। जो शेयर कुछ दिन पहले आपका 2.5 रुपये के आसपास मिल रहा था, वो शेयर अभी मिल रहा है करीब 8 रुपये के आसपास। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है और कैसे इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नज़र आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये पर्टिकुलर कंपनी फ्यूचर में टिक पाएगा और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो पहले ही जान लेते हैं कि सुजलॉन एनर्जी के शेयर के डिमांड इतना बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहा है, फोकस ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी के ऊपर दिखा रहा है। और बेसिकली मिस्टर आपका सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी के ऊपर कामकाज करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर फोकस इसके ऊपर भी जा रहा है, इसीलिए इसका डिमांड लगातार बढ़ रहा है। बात करें सुजलॉन एनर्जी के कैपेसिटी की एनुअली, वो है 18,800 मेगावाट, जो 18 गीगावाट भी बोल सकते हैं। कंपनी इंडिया का नंबर वन एक रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर गिना जाता है। कंपनी के वर्कफोर्स की बात करें वह करीब आपका 5,450, और कस्टमर की बात करें कंपनी का वो भी ग्लोबली 1,800, और मार्केट शेयर कंपनी 33% होल्ड करता है एज अ मार्केट। सुजलॉन एनर्जी का एक खास बात यह है कि ये पर्टिकुलर कंपनी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका लैंड एक्विजिशन से लेके मैन्युफैक्चर भी ये करता है, R&D के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है कंपनी का, और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, वो ख़राब भी हो जाता है तो उसका भी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, और इसके पास एक्सपीरियंस मैन पावर होने के कारण ये सब बहुत ही ईजी हो जाता है। तो कंपनी कैपेबल है एंड टू एंड प्रोडक्ट देने का लेके। तो अभी बात करते हैं कि कंपनी का कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो कंपनी का पॉजिटिव की बात करें, द कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर करीब 204 मेगावाट का सर्विस प्रोवाइड किया है, और कंपनी के पास आपका ऑर्डर बुक की बात करें वो करीब 817 मेगावाट का ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है, जो कंपनी आगे जाके पूरा कर सकता है। तो पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही कैपिटल इन्फ्यूजन लगता है कंपनी को चलाने के लिए, इसी वजह से इसके ऊपर बहुत सारा और भी काम पेंडिंग है जो आगे आने वाले दिनों में होगा। उसके बाद सेकेंड जो पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी को लेके वो है, कोविड के चलते हुए भी कंपनी ने अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड किया है, और कंपनी का जो लोन रिस्ट्रक्चर है, डेट रिस्ट्रक्चर है, वो कंपनी का सक्सेसफुल हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे, जो आपका कंपनी चलाने के लिए जो एक्सपेंस होता है उसको बहुत ही एग्रेसिवली इसने रिडक्शन किया है, तो कंपनी के ये सब पॉजिटिव बातें हैं। बात करें कंपनी का नेगेटिव का, तो नेगेटिव के अंदर कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चैलेंज आ गया था कोविड के कारण, कि वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस फैला हुआ है तो जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट हुआ है। उसके साथ साथ स्टील का बहुत ही ज़्यादा महत्व है आपका सुजलॉन एनर्जी को आपका प्रोडक्ट बनाने को लेके, तो स्टील का जो प्राइस है वो लास्ट ईयर से दिस ईयर कंपेयर करेंगे तो करीब 80% जंप यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो इसकी वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अभी तक बरकरार है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।